बात करते हैं कि कैजुअल वैकेंसी के केस में गवर्नमेंट कंपनी या एनी अदर कंपनी में जो अपॉइंटमेंट होगा ऑडिटर का वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले ये समझते हैं कि कैजुअल वैकेंसी क्या होती है। तो कैजुअल वैकेंसी जो होती है वो क्रिएट होती है स्पेशल कंडीशंस में। ये इसमें जो ऑडिटर है वो अपना काम करने के लिए मना कर दे उस केस में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं कैजुअल वैकेंसी के। ये अपन कुछ एग्जांपल के लिए देख रहे हैं कि कैजुअल वैकेंसी कौन कौन से केसेस में क्रिएट हो सकती है। पहला है ड्यू टू डेथ। एक ऑडिटर जो अपन ने कंपनी के लिए अपॉइंट करा है, किसी भी तरह से अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो कंपनी का ऑडिटर है उसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो गई ऑडिटर की, उसको अपन कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। इसी प्रकार से उसकी अगर कोई कंपनी में जो ऑडिटर लगा हुआ है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या उसको क्वालिफिकेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा है ऑडिटर के लिए जो होनी चाहिए, तो उस केस में भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वो है कैजुअल वैकेंसी। और इसी तरह से है रेजिग्नेशन, कि साल के बीच में या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिटिंग कोई ऑडिटर रिजाइन कर दे अपना कार्य से, तो वो वैकेंसी क्रिएट होगी, वो कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी। अब वही अपन दो पार्ट करेंगे इसमें, पहला तो गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा एनी अदर कंपनी। तो कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज में क्या प्रोविजंस है और अदर कंपनीज में क्या प्रोविजंस है। तो गवर्नमेंट कंपनीज में जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगा उसको भी फुलफिल कौन करेगा, सीएनएजी करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएनएजी करेगा। और जो इसकी टाइम लिमिट होगी वो होगी विद इन 30 डेज, मतलब जब से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है या जो ऑडिटर की पोस्ट है वो खाली हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर सीएजी को एक नया ऑडिटर कंपनी के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनी की, तो उस केस में अगर 30 दिन में अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है सीएजी के द्वारा, तो फिर बोर्ड को ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। उसकी भी समय सीमा वही 30 दिन होगी जब से ऑडिटर के सीएनएजी की लिमिट समाप्त हुई है 30 दिन की। उसके बाद अगले 30 दिन में बोर्ड को एक कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करना होगा कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। अदर कंपनीज में क्या है, सीएजी जो है सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज को कंट्रोल करता है, प्राइवेट कंपनीज या अदर कंपनी जो भी हो उसमें जो कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करेगा वो बोर्ड करेगा। अगर रेजिग्नेशन के थ्रू अगर कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है प्राइवेट कंपनी में जिसमें ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या मेंबर्स है बोर्ड ऑफ मेंबर्स उनको जनरल मीटिंग में इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर क्रिएट करके। मतलब उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी जनरल मीटिंग 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट के, और उसमें कन्वेंट करना पड़ेगा उनको मेंबर्स को जनरल मीटिंग में उसके अप्रूवल के लिए कि उन्होंने जो ऑडिटर नया अपॉइंट करा है उसको अप्रूवल मिल जाए। मीटिंग के बिना उसमें अप्रूवल नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ रेजिग्नेशन।